इंडिया में रियलमी 12 प्रो स्मार्टफोन के लिए रियलमी UI 6 एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। बीटा यूजर्स को अपडेट भी मिल चुका है, लेकिन अपडेट के अंदर काफी सारे फीचर्स है जो कि मिसिंग है, जैसे कि ब्लर इफेक्ट और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। तो ये वाले फीचर्स आपको आगे चल के कौन से अपडेट के अंदर मिलेंगे और अभी तक ऐसे कौन कौन से बग्स है जो कि इस अपडेट के अंदर नोटिस हुए हैं। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए, वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस जो सबसे पहला फीचर मिसिंग है वो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। अगर आपको ओनली प्री इंस्टॉल्ड यही एक सेटअप है ना वो देखने को मिलेगा, जो कि काफी सिंपल है और इसके अंदर काफी सारे एडवांस फीचर है ना वो यहाँ पर मिसिंग भी है। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर देख सकते हो, ये वाले सेटअप्स हैं वो यूजर्स के द्वारा यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। और अगर आप लोग किसी सेटअप को ओपन करते हो तो ओपन होने में एक तो टाइम है वो काफी ज्यादा लगता है, और ये टाइम है ना वो हर एक चीज के अंदर लगने वाला है। तो ये कुछ आपको नॉर्मल ऑप्शंस है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर एक अच्छी बात है कि सीमलेस का ऑप्शन है ना वो आ चुका है, और ये आपको सिंपल से ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। अब इस वाले पेज को देखिए, चलिए ये अच्छी बात है कि ये तीन ऑप्शन है वो तो हमें चलो देखने को मिले, बाकी और जितने भी जो फीचर है वो मिसिंग है। अभी कौन कौन से फीचर है वो मिसिंग है वो मैं आपको लाइव अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग अपने फोन के अंदर सेटिंग ऐप को ओपन करते हो, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड ये सभी सेटअप्स है ना वहां पर मिलने चाहिए थे, जो कि अभी तक रियलमी के दो ही ऐसे स्मार्टफोन है उनके अंदर मिले हैं। एक है रियलमी GT 6 और सेकेंड है रियलमी GT 60, और जो रियलमी 12 प्रो और प्रो प्लस दोनों स्मार्टफोन के अंदर ये सभी फीचर है वो मिलने तो चाहिए थे लेकिन देखने को नहीं मिले हैं। अभी आप लोग रियलमी UI 6 का अपडेट पेज है ना वो यहां पर देखते हो तो मेंशन किया गया है फ्लक्स थीम, तो ये सेम फीचर है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब रियलमी ने अगर ये चीज मेंशन करी है ना तो मेरे को लगता है इनका जो ये नेक्स्ट अपडेट आएगा ना, जैसे कि बीटा 2 अपडेट आएगा, बीटा 3 अपडेट आएगा, या फिर लास्ट में जो ऑफिशियल अपडेट आएगा, हो सकता है उसके अंदर चल के हमें ये सभी सेटअप्स हैं वो देखने को मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही है कि ये वाले जो सेटअप्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये मोर थीम्स के अंदर आप लोग जाओगे तो इतने सारे प्री इंस्टॉल्ड सेटअप्स हैं वो रियलमी की तरफ से मिलते हैं, लेकिन ये जो दो स्मार्टफोन है Realme 12 Pro और Pro Plus दोनों के अंदर हमें देखने को नहीं मिले हैं। अब अगर आप लोग किसी सेटअप को अप्लाई करते हो तो एक बग ये भी है कि काफी ज्यादा टाइम लेता है। आप लोग देख सकते हो हद से ज्यादा टाइम है ना वो लगेगा अगर आप लोग किसी सेटअप को अप्लाई करोगे। अब ये जो बग है वो कंफर्म नहीं है कि आपके फोन के अंदर मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट है, एक यूजर को ये बग मिला है कि ये जो नोटिफिकेशन बार है, जो स्लाइड बार है, इसके अंदर हमें एक और बार है ना वो देखने को मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा बग है, बाकी नेक्स्ट अपडेट के अंदर ये वाली चीज है वो यहाँ पर फिक्स हो ही जाएगी। एक फीचर हमें ये भी देखने को मिलना चाहिए था, जैसे कि किसी फोल्डर को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो साइड का एरिया है ना वो पूरा ब्लर हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग देख सकते हो ये रियलमी 12 प्रो इमेज है वहां से ली गई है और इसके अंदर किसी भी तरीके की ब्लर इमेज है ना वो हमें नहीं मिलती है। जबकि सुपर फोल्डर को ओपन अगर आप लोग करना चाहते हो तो इस टाइप का ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन इस अपडेट के अंदर हमें नहीं मिला है। होप सो फ्यूचर के अपडेट के अंदर देखने को मिल जाए। अब अगर आपको एनिमेशंस काफी अच्छी लगती है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन जो कि हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, तो आपको इस अपडेट को बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर देख सकते हो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर वेनिश हो चुकी है, कहीं पे भी कोई एनिमेशन है वो हमें नहीं मिलती है। अब ये हो सकता है बीटा अपडेट का ही यहाँ पर बग हो, लेकिन फ्यूचर में जो अपडेट्स आएंगे, जो ऑफिशियल अपडेट आएगा, उसके अंदर ये वाला जो बग को फिक्स किया जा सकता है। अब ये भी एक फीचर आना तो चाहिए था, लेकिन काफी सारे यूजर को पहले से पता था कि जो कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर ब्लर इफेक्ट है वो नहीं आने वाला है, और वैसा ही हुआ। व्हाइट कलर का सिंपल बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट है वो रियलमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखाई देता है। अब ये जो मेरा फोन है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ब्लर लेवल है ना वो इसको कहते हैं, जहां पर वॉलपेपर होता है और उसके पीछे ब्लर की इंटेंसिटी वो आती है। तो एक तो ये वाला कंट्रोल सेंटर है वो यूज करने में काफी अच्छा लगता है, और एक आप लोग इस वाले कंट्रोल सेंटर को देखिए जो पूरा व्हाइट है और बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो देखते हैं फ्यूचर अपडेट के अंदर ये फीचर्स आते हैं या फिर नहीं, बाकी मेरे को तो लगता है कि यही व्हाइट वाला इफेक्ट है वो मिलेगा, जो प्रॉपर ब्लर इफेक्ट है इसको कहते हैं वो नहीं आने वाला है, लेकिन लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है वो आने
के यहाँ पर चांसेस हैं। और ऑफिशियल अपडेट है ना गाइस, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ऑफिशियल अपडेट आपको मिलेगा दिसंबर मंथ के एंडिंग में, बाकी हो सकता है अपडेट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक की भी यहाँ पर जा सकता है। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आती है रियलमी के इसी टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।